दोस्तों, अगर एक स्मार्टफोन की तरह इंसानों को भी कंट्रोल किया जा सके, एक चिप जो मेडिकल डिवाइस की तरह काम करेगी, जो लोग पैरालाइज्ड हो गए हैं या जिनके हाथ पैर नहीं है और वो लोग जो देख नहीं सकते, इसकी मदद से सीधे ही स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन हो चुका है। आज से 8 साल पहले न्यूरालिंक पब्लिक के सामने लॉन्च हुआ था और इन 8 सालों में जानवरों पर रिसर्च करने के बाद पहली बार ह्यूमन ब्रेन में चिप इंप्लांट कर दी गई है। आज से करीब 1 महीने पहले एलोन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने ये बताया कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक द्वारा इंसानी ब्रेन में चिप लगाने का पहला टेस्ट सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इससे इंसानों की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। VCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये टेक्नोलॉजी किसी भी इंसान को अपने थॉट के जरिए केवल सोचकर फोन या कंप्यूटर को कंट्रोल करने की पावर देता है। इतना ही नहीं, इस चिप के जरिए कोई भी इंसान जो देख नहीं सकता, वो पहली बार इस दुनिया को देखने में सक्षम हो सकता है। किसी भी प्रकार का ब्रेन इम्प्लांट होने की सिर्फ एक वजह है कि हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। आज जो भी हम करते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट से हमारे दिमाग में नर्वस सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजने की वजह से होता है। तब न्यूरो साइंटिस्ट ने यह रियलाइज किया कि ब्रेन में इलेक्ट्रोड डालने से इलेक्ट्रिक पल्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है और आगे भेजा जा सकता है, और फिर उन इलेक्ट्रोडों को एक चिप से जोड़कर ब्रेन की इंफॉर्मेशन को रिले कर सकते हैं, जिससे ब्रेन के सिग्नल्स के जरिए बाहर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी दिमागी क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। बस ये ब्रेन चिप इसी तरह काम करती है और ये टेक्नोलॉजी रियल है, जो पहले बंदरों और सुअरों पर भी काम कर चुकी है। ये छोटी सी चिप लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि इसे किसी ह्यूमन न्यूरोसर्जन द्वारा ब्रेन में नहीं डाला जा सकता। इसीलिए 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स और चिप को सटीक रूप से इम्प्लांट करने के लिए रोबोट R1 बनाया गया है। चिप जो बस एक सिक्के जितनी बड़ी है, इलेक्ट्रोड तारों से जुड़ी है जो इंसानी बाल से 20 गुना ज्यादा पतले होते हैं। इस चिप को इलेक्ट्रोड की तरह ब्रेन के अंदर नहीं बल्कि खोपड़ी की एक छोटे से हिस्से पर लगाया जाता है। इसे इम्प्लांट करने के बाद बाहर से कोई नहीं देख सकता और इसे वायरलेस तरीके से चार्ज भी किया जा सकता है। ये पूरा ऑपरेशन 1 घंटे से भी कम समय में हो जाता है। इलेक्ट्रोड वायर ब्रेन की एक्टिविटी पर नजर रखने और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को चिप तक पहुंचाने के लिए है, और चिप फोन या कंप्यूटर तक सिग्नल भेजने के लिए। दोस्तों, इसे और डिटेल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, तो उसका ब्रेन तो काम करता है पर आंखों की ऑप्टिक नर्व्स काम नहीं करती। तो उसके सिर पर एक कैमरा फिट करके और उसकी चिप को उसके स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के बाद स्मार्टफोन उस वीडियो डाटा को ब्रेन की लैंग्वेज में ट्रांसमिट करेगा और चिप तक सेंड करेगा, जिसमें इलेक्ट्रोड सीधे ब्रेन कॉर्टेक्स से जुड़े हैं, जो कैमरा फीड को सीधे ब्रेन से ट्रांसमिट करेगा। इसे और आसानी से समझे तो जो भी कैमरा देखेगा उसकी पिक्चर सीधे ब्रेन के अंदर बन जाएगी, और यही कॉन्सेप्ट ब्रेन और नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट पर लागू किया जा सकता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ब्रेन के इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न्स को स्टडी करता है और इंसान क्या सोच रहा है वो कंप्यूटर के थ्रू या ऐप के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं, ये ब्रेन और ह्यूमन ऑर्गन के बीच कनेक्शन बना सकता है, जिससे संभावित रूप से बॉडी पैरालिसिस का इलाज हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस बंदर के अंदर चिप इम्प्लांट की हुई है, जिसका यूज करके वो वीडियो गेम खेल रहा है और जब उसे भूख लगी तो दिमाग से ही टाइप भी कर रहा है। क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट इम्प्लांट तो सक्सेसफुल रहा और इस पे रिसर्च भी चल रही है। मान लीजिए कि फ्यूचर में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस उस लेवल तक पहुंच जाए जैसा कि एलोन मस्क का मानना है, ये उतना ही पॉपुलर हो जाएंगे जितना आज स्मार्टफोन है। जैसा कि एप्पल का विजन प्रो, इसे आपके चेहरे पर लगाना पड़ता है फिर इसे यूज कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये हो ही ना, और सब कुछ आपके दिमाग में विजुअल के रूप में चल रहा हो। स्मार्टफोन हर किसी के पास है, आपके सभी जानने वाले लोगों के पास, और वो हैक भी हो सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकता है और इसका खतरा तो हमेशा से ही है। आप सोच सकते हैं कि कोई सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने जैसा एक पूरे ब्रेन को हैक करना। इमेजिन करें, कोई आपके थॉट और सिग्नल को रीड कर सकता है या फिर किसी काम को करने के लिए सीधा सिग्नल भेज सकता है। ये सीधा सीधा इस तरफ इशारा करता है कि इन फ्यूचर ह्यूमंस को भी
कंट्रोल किया जा सकता है या कोई कंप्यूटर वायरस जो आपके दिमाग में हो। ये सारी चीजें हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता, पर हर नई टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा होता है जो यूजफुल भी होते हैं और खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। एलोन मस्क बताते हैं कि N1 चिप की कार्य क्षमता का स्तर एक आईफोन से कंपेयर किया जा सकता है। दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी आ चुकी है जो आपके दिमाग से जुड़ी है। यह कुछ ऐसा है कि आपके फोन को 24/7 आपके पास रखने जैसा, हर पल वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी जो आपको चाहिए, जिसके लिए गूगल पर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज मार्केट में कितने AI हैं जो इंसानों द्वारा घंटों में किए गए कामों को कुछ सेकंड में कर देते हैं और इंसानों से ज्यादा क्रिएटिव हैं। उसका भी स्टार्ट कभी न कभी हुआ था और आज बहुत से लोग उसे यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग ज्यादा कैपेबल होते जा रहे हैं, उनके सारे डिसीजन मशीनों से ही आते हैं। ऐसा ही है कैसे, क्योंकि आज आप एड कहाँ देखते हैं, सेलफोन पर, और ज्यादातर लोग अपने डिसीजन एड देखकर ही लेते हैं। मानना मुश्किल है, पर यही सच है। यह चिप ब्रेन की पावर को बढ़ा सकती है और इन्फॉर्मेशन भी डाल सकती है। जैसे कि अब वो सारी जानकारी जो हमें स्कूल में मिली थी, वो एक बार में अगर हमारे दिमाग में डाल दी जाए तो हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, AI हो या फिर BCI, हर सेक्टर में नए नए इनोवेशन सामने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में ह्यूमन और मशीन के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।